सामान हमारा तकरीबन आ गया है, पानी, जग, चीनी, जामे शरीफ बता दें इनको पहले ना ज़मीन पे या किसी चीज़ पे यूँ मल लिया करें। जब आप मल लेंगे ना ये हो जाएंगे नरम, ये देखें बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जूस जो है ना। अब हम लोग अपने बर्तन रखेंगे, तैयार हो गए हैं और एक बर्तन तैयार होकर आ गए और अब जो है मेरा और अली का काम स्टार्ट होगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त सरवाफिस से होंगे, जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज 9 मुहर्रम है। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सियालकोट रेंजर्स रोड है ये, और जैसे पिछले साल हम लोगों ने पानी की सबील लगाई थी, ये देखें जी टब आ गया, अली ने पकड़ा हुआ है। इस साल भी जो है हमारा सबील लगाने का इरादा है। हम लोगों को, मुझे पता भी नहीं था, मुझे और अली को ये था कि मीटिंग होनी है आज, लेकिन आज ही इस्माइल भाई ने बताया आज सबील लगानी है। ये हरून भाई क्या हाल है? टब शब हरून भाई और उस्मान भाई ने धो लिए हैं। और उस्मान भाई जामेश्री, जामेश्री यहीं पे, क्योंकि हम लोगों ने भी खरीदा कुछ भी नहीं है, शाम के 4:30 का वक्त हो रहा है। ये हमारे जग हैं, ये लिमू भी हम लोग ले आए, और ये सामने बिल्कुल दुकान है, यहाँ से हम लोगों ने जो है जामेश्री रूअफ़ा जो भी है लेना है। और वो रही सामने मस्जिद, यहाँ से पानी भरना है। अभी हम लोग जाने लगे हैं पानी भरने के लिए, और उस्मान भाई जो चीज़ें शीज़ें चीनी और रूअफ़ा परचेज़ करना है। मुझे और अली को यही था, अली को तो नहीं, मुझे स्पेशली यही लगा था कि आज सिर्फ मीटिंग होनी है, आज सबील ही लगानी है। उस्मान भाई से मिलकर पता चला कि सबील आज ही लगने लगी है, तो तैयारी हमारी है। इतनी ज़्यादा तो आपको पता है सबील के लिए करनी नहीं पड़ती, पानी चाहिए और बर्तन ही चाहिए, तो बर्तन क्या, हरून भाई ने माशाल्लाह से पहले का इंतज़ाम कर रखा है। अभी हम लोग भरते हैं पानी, मस्जिद में बोर हुआ पड़े तो इसलिए मस्जिद में मतलब फिल्टर है, तो हमें दूर जाना नहीं पड़ेगा, पहले पानी भरते हैं और फिर साथ ही सबील लगाते हैं। पानी हम लोगों ने एक टब भर लिया और मैं और अली एक टब लेकर जा रहे हैं, दूसरा टब भाई उस्मान और भाई हरून लेकर आएंगे। और अभी सारा सामान लेकर आना है, जो बर्फ़ शर्फ लेकर आनी है, ग्लास लेकर आने हैं। विदिन कोई आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना सबील लग जाएगी। और यहाँ पर रवा रोड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना गुजरती है। लानी और शेख साहब बैठे हुए हैं, शेख साहब इस पर कैंट में नहीं प्रोग्राम करवाया अभी? कल सुबह 10 बजे कहाँ पर शेख साहब, कैंट में किस जगह आप इंतजार? सबील हुसैनी के नाम से आपने बताया था? सबील हुसैनी हम आजकल लगा रही है, तो उसमें इंशाल्लाह इसमें हम लोगों ने इस बार कुछ चेंजिंग करके हम लोगों ने बिरयानी और जो है उसका इंतजाम करवाया, लंगर का पकाया, लंगर सबील लंगर हुसैनी करवाया। पानी हम लोगों ने रख दिया है, अभी हम लोग रोड क्रॉस करते हुए सामने स्टोर है, ये सामने जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें परचेज कर दी है। पिछली बार सलामी यानी सब कुछ पहले परचेज कर लिया था, इस बार अचानक से थोड़ा सा प्लान रहा है, तो है दुकानें को उसी बंद है, दुकान से हम लोग परचेज करने लगे। अली भाई क्या क्या परचेज करना है? और मनी यानी क्या चीनी, बाकी सामान हमारा ये पड़ा हुआ है। सामान हमारा तकरीबन आ गया है, पानी, जग, चीनी, जामेश्री, सारा कुछ आ गया। और हमारे माशाल्लाह से भाई शेख साहब, शेख उमर, जिन्हें मैं कह रहा था कि तजर्बाकार बंदे हैं आप, काफ़ी सालों से आप जो है तैयार कर रहे हैं, तो आप ही जो है ना आगाज़ करें बनाने का। फट्टा जो है ना वो हम लोग लेकर आए हैं, टेबल हम लोग ले आए हैं, सामने पिज़्ज़ा शॉप है उनसे लेकर आए हैं। और उस्मान भाई और हरून भाई अभी आगे गए हैं बर्फ़ लेने के लिए वहाँ से, क्योंकि जारी बात है हमने अब वो गर्म तो पिलाना नहीं है, तो वो लोग बर्फ़ लेने के लिए गए हैं। उतनी देर में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तैयार कर लें, और ग्लास जो है वो भी अभी भाई उस्मान और भाई हरून ने वापसी में लेकर ही आएंगे। चीनी को मिक्स करना ना खासा ओखा काम होता है बड़े बर्तन के बीच। लास्ट टाइम क्योंकि घर था जहाँ पे हम लोगों ने इंतजाम किया था, और सलाम मियाँ के घर पर इंतजाम था, तो हम लोगों ने चीनी ग्राइंड करके डाल ली थी, बड़ी जल्दी आराम स्कूल से मिक्स हो गई थी। लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी मेहनत जो है ना हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड पर हम लोग ऐसे ही आए हैं और ग्राइंडर पास मौजूद नहीं है, तो इस मरतबा वैसे मिक्स करना पड़ेगा। ना आए शेख साहब, मैं करता हूँ यार, आप तैयार करें। शेख साहब नहीं, थोड़ा सा काम भी करते हैं, चले मैं दूसरा टैप करता हूँ। उसको ना डालना, उसको नहीं डालना। लीमू हम लोगों ने बीच में जो है निचोड़ने भी हैं, और वैसे भी छिलके डाल देंगे, थोड़ा सा जो है ना जायका ज़रा खट्टा खट्टा सा हो जाए ना, मज़ा आता है। जामिश्री रूअफ़ा के बीच, जामिश्री लीटर वाला, 2 लीटर वाला, 800 ml वाला, अरे मसीद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डाल लेंगे। लीमू उस्मान भाई काटने लगे थे, तो मैंने इन्हें बताया है कि
काटने से पहले आपको भी ट्रिक बता दें, इनको पहले ना ज़मीन पे या किसी चीज़ पे यूँ मल लिया करें। जब आप मल लेंगे ना ये हो जाएंगे नरम, ये देखें बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जूस जो है ना सारा इजीली जब आप यूँ हल्का सा निचोड़ेंगे आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें की कही रहा है जूस निचोड़ने की राय मुला यूज़ करने, जो भी कहते हैं यार जूस निचोड़ने के लिए जो लीम का निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जो है ना निचर जाएगा। उस्मान भाई गिलास ले कर आ गए हैं और अली अली साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बर्फ़ भी आ गई है। ये लिम्बू वैसे ही फट गया बेचारे को जल्दी थी, उसने मुझे रगड़ने ही नहीं दिया है। जी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारी स्पीड बिल्कुल तैयार हो गई है, मतलब शरबत तैयार हो गया और उस्मान भाई ट्राई करने लगे हैं। जी उस्मान भाई बेहतरीन मज़ा ही आ गया, बशर पुत्र मज़ा ही आ गया आज। हम लोगों ने बर्फ एक ही में डाल ली है, हम लोग कह रहे हैं कि इसी इसको जब ये खत्म होगा ये वाला उसमें डाल लेंगे, क्योंकि अभी कोई चीज़ पास नहीं थी जिससे हम लोग बर्फ़ के तोड़ के ना दो टुकड़े करते, तो इसलिए हम लोगों ने एक में डाल ली है। अली भाई अली साहब जल्दी ग्लास पकड़ो यार, तैयार हुआ साथ ही माशाल्लाह से भाई पीने आ गए हैं पानी, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सबीर का पानी। भाई लोगों को तो थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई करवा ही रहे हैं, साथ हम लोगों ने सोचा कि कुछ पहले साथ साथ ट्राई करते चले। अभी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बन तो चुका है बर्फ़ बस दो पीस डाल के ना उस्मान भाई देखा कि एक ही बर्फ़ काट लेते हैं दोनों के बीच ताकि ईजी हो जाए, बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट ना चला जाए। बर्फ़ के दो टुकड़े काट लिए और चीनी शीनी डाल के मिक्स करने लगे हुए हैं। चीनी बड़े बर्तन में ठीक मिक्स नहीं हो रही इसलिए हम लोग जग में डाल के जो है ना अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं पहले और बाद में उसके बीच डाल रहे हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। बच्चों को अली भाई बच्चों को पानी नहीं पिला रहे, बच्चों को दबे ला रहे, उन्होंने कहा आप पानी पिलाओ दिन वाली कि अभी बस 5-10 मिनट में प्रॉपर यहाँ पर हम लोग अपने बर्तन रखेंगे तैयार हो गए हैं और एक बर्तन तैयार होकर आ गए और अब जो है मेरा और अली का काम स्टार्ट होगा। वो काम क्या होता है सभी के बीच, जिन लोगों को नहीं पता लोगों को रोक रोक कर इशारे कर कर के पिलाना है, वो अली बहुत अच्छा वो काम करता है पानी। इसको मैं बता रहा था लास्ट टाइम अली साहब ने हरकत क्या की थी, पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है और उनके सामने ना कुछ ज्यादा ना शुरू हो जाए, उनके सामने छलांगे मार के पानी लाश दी पानी लाश दी अली ने पिछली बार पाई। आओ यार बच्चों को पानी पिलाओ, पानी पियो यार, जामेश्री पियो जामेश्री, ठंडा ठंडा जामेश्री पियो यार। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबील की तकसीम का काम शुरू हो चुका है और एक टब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब अरुण भाई दोबारा भरने जा रहे हैं पानी और अब हम एक नया टब बनाएंगे और आप देख सकते हैं भाई सबने पीना है पानी यार, स्टैंड से आओ जी स्टैंड से आओ, सबने पीना है क्या ग्लास एक कोल लियो एक पतीला मुकम्मल खत्म हो गया। शेख साहब फिर से एक पतीला बनाने लगे हैं, मतलब एक हमने मुकम्मल तौर पर बांट ली है और काफ़ी जो है ना अच्छे मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग गुजरे हैं, काफ़ी रश और काफ़ी लोग रुक रुक कर पानी पी रहे हैं। सामने जो है बिरयानी बांटी जा रही है वहाँ पे रश पड़ गया, सामने से लोग बिरयानी लेंगे उस्मान भाई गरम गरम बिरयानी और हमसे ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे। बेहतरीन काम हो गया ना, पानी भी मिल रहा है और बिरयानी भी मिल रही है, वो देखें कि सामने बिरयानी बांटी जा रही है। आ जाए भाई जान पानी पी के जाए यार, अली भाई रोके यार लोगों को। पानी जनाब पानी पी लो जनाब पानी पी लो। अभी हमें आधा पौना घंटा हुआ है और सलाम मियां मेरा ख्याल है पिछले साल से ज़्यादा रिस्पॉन्स इस एरिया में है, ज़्यादा रिस्पॉन्स है। आधा घंटा हुआ है, दो हमने खत्म कर दिए, ये तीसरा हम आखिरी लगा कर बैठे हैं, ये आखिरी हमारा रह गया माशाल्लाह से। आधे घंटे के बीच जो है ना काफी ज्यादा लोगों को हम लोगों ने पानी पिला। A few moments later. ले जी विद इन 1 आवर तकरीबन उमर शेख साहब कितना लीटर, 40-50 लीटर, 150 लीटर माशाल्लाह से विद इन 1 आवर जो है हम लोगों ने खत्म कर दी है। और अब खत्म करके चौहान साहब भी आ गए हमें मुलाकात, हमसे मुलाकात करने। 50 लीटर का होता है
अच्छा जितनी देर में उस्मान भाई जितनी देर में हमने शरबत मुकाया ना उतनी देर में बिरयानी भी खत्म हो गई है। लोग वहाँ से बिरयानी लेते गए हैं, आके हमसे ठंडा पानी पीते गए हैं। अब बस हम लोग वापस अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अंदर जहाँ पे हरुण भाई के घर से हम लोग आए हैं तैयारी पकड़ के। तैयारी तो नहीं मतलब सामान यहीं पे आके हमने प्लान किया था यहाँ लगाना है। तैयारी मेन रोड पर आके पकड़िए। अब हरुण भाई के घर पे आएंगे और वहीं पर चल के सारा अपना ब्लॉग एंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर की तरह इस साल भी सबील लगाई टीम वसीला ने। शर्ट्स पहनी हमने से किसी को याद नहीं रही। मुझे और अली को तो पता ही नहीं था कि आज सबील लगानी है, इसलिए हमने शर्ट नहीं पहनी। उस्मान भाई आपने क्यों नहीं शर्ट पहनी? उस्मान भाई आपने क्यों नहीं शर्ट पहनी? शर्ट हमें पता ही नहीं था कि आज लगनी है सबील, आपने भी शर्ट नहीं पहनी। इंतजामिया का इंतजामिया ने शर्ट नहीं पहनी। उस्मान भैया क्या कहना चाहेंगे? टीम की शर्ट वाले पोज नहीं देने। इंतजामिया शेर आखना ये शर्ट नहीं पहन रही। कोई शेर हो जाए, कोई शेर हो जाए। अरसलान मियां उस्मान है। हेलो अरसलान मियां को गुस्सा आ रहा है। अरसलान मियां से आज हम शेर सुनेंगे। मियां को शेर हो जाए। अरसलान भाई आज कोई शेर हो जाए। कोई शेर हो जाए। शेर शेर कोई शेर हो जाए। शेर है ये वाला नहीं। शेर से मेरे से सुन ले। जी जी शेर खड़े हो गए। जिनके इरादे हो पूछता हो शेर मीटर से सुन लेना। सला तुम फेज मौजूद से मुकरा है। क्या बात ते तोड़ी वाड़ी की थे। अच्छा जी उस्मान भाई यही है इबादत यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। क्या बात माशाल्लाह माशाल्लाह। अली तुझे भी कोई शेर याद आ रहा है? हम तो कल 10 मुहर्रम की भी शेख साहब कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग है उनके एरिया के बीच। उनकी एक और एनजीओ चलती है, हमारी तो वसीला इंसान ये चल रही है ना, उनके एरिया में एक और भी उनकी चल रही है। तो उस हवाले से वो कह रहे थे कि उसकी भी कोई प्लानिंग करनी है, तो उसकी हम प्लानिंग करेंगे अभी बैठ के हरुण भाई के घर। और क्या प्लान होता है कल, क्या हमारा क्या हमारी रूटीन होगी कल की, वो भी आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। भाई हरुण के हम लोग घर आ गए हैं और क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी ना दोपहर का खाना नहीं था खाया हुआ, तो भाई हरुण ने बड़ी ही मज़ेदार स्पाइसी बिरयानी का हम लोगों के लिए इंतज़ाम किया था घर पर। इन्होंने खुद बनाई थी और बिरयानी खा के मैं यही कहूँगा अगर हरुण भाई आप देख रहे हैं ब्लॉग जिंदाबाद हरुण पुत्र, मज़ा ही आ गया आज के। और साथ साथ हम लोग प्लानिंग कर रहे थे नेक्स्ट डे की यानी कि 10 मुहर्रम की। हम लोगों ने मीटिंग कर ली है 10 मुहर्रम के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला जो भी प्रोग्राम होगा ब्लॉग की सूरत में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अरसलान मियां ब्लॉग कैसा लगा यार? लोग जो देख रहे हैं उनसे कोई रिक्वेस्ट करें यार कोई लाइक शाइक की। आप लाइक करने के बाद कम से कम अपने इस फैसले के ऊपर पछताएंगे। सब्सक्राइब भी करें और मुसलसल रोजाना की वीडियोस भी देखें, आप बेल आइकन पर क्लिक मालूमाती अशिया मिलेंगी इंशाल्लाह। सबसे बढ़कर भाईजान का एक बहुत खूबसूरत स्वैग है, बड़े फनी सा एटीट्यूड है, आप इससे भी लुत्फ। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह अरसलान मियां। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।